नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेके आई हूँ। और आज मैं वीडियो में लेके आई हूँ कि अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके गर्मियों के लिए किस तरह से आप घर पे ही आसानी से कॉटन फ्रॉक बना सकते हैं। तो मैं आज मेरी गुड़िया के लिए कॉटन की एक फ्रॉक बना रही हूँ, तो आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से बनाऊँगी, ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल जाए। और आप देखिए किस तरह से आसानी से फ्रॉक बन जाएगी, सिर्फ 15-20 मिनट में पूरी फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो लाती रहूँ। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, और ये कपड़ा मैं कटपीस वाले के यहाँ से लाई थी, क्योंकि कटपीस में कपड़ा बहुत ही सस्ता मिल जाता है, क्योंकि जो टुकड़ों में आता है वो तोलते देते हैं तो बहुत ही सस्ता मिल जाता है। तो ये 2 मीटर कपड़ा मेरे लगभग 60-70 रुपए में मिल गया था। तो इसको मैं 20 इंच पर निशान लगा के कट कर दूँगी, क्योंकि मेरी गुड़िया 6-7 साल की है, तो नीचे का गेयर मुझे 20 इंच का चाहिए, और नीचे थोड़ा सा मोड़ने के लिए भी चाहिए, तो ज़्यादा लंबी फ्रॉक भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से मैं नीचे से कट कर दूँगी, और ऊपर भी मैं डबल गियर बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं 8 इंच कपड़ा निकालूँगी, और जो आगे पीछे का ऊपर का जो भाग होता है उसके लिए मेरे को 11 इंच का कपड़ा चाहिए। तो मैं पहले उसको नाप लूँगी कहाँ से क्या निकल रहा है, उसी हिसाब से कट करूँगी, तो मेरा आराम से निकल रहा है कपड़ा और बच जाएगा। तो मैंने ये 8 इंच पर निशान लगा दिया है, और यहाँ से मैं कट कर दूँगी। यहाँ इस कपड़े का भी सल लेके गियर बनाना है मेरे को, तो मैं ये कपड़ा कट कर दूँगी। तो ये मैंने 8 इंच का कपड़ा कट कर दिया है, और इसकी लंबाई होगी 2 मीटर। नीचे वाला गियर भी 2 मीटर का है, और ये छोटा गियर भी 2 मीटर का है, तो इसमें लगभग बराबर सल आएंगे। और ये फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा है, तो मैं इसकी 8 इंच पे लूँगी, मतलब 8 इंच से कम लूँगी, 7.5 इंच लूँगी चौड़ाई, क्योंकि इतनी चौड़ाई तो नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत सिलाई में चला जाएगा 1-2 इंच, और थोड़ा लूज के लिए छोड़ देंगे, और ज़्यादा फिटिंग वाली फ्रॉक भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए थोड़ी गर्मी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी लूज ही चाहिए। तो ये थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा था जो मैंने कट कर दिया लंबाई में, और ये 11 इंच की लंबाई ले ली है, और मैं इसका शोल्डर लूँगी 5 इंच का, क्योंकि बच्ची अभी 6-7 साल की है, तो 5 इंच का ही शोल्डर आएगा, और आर्म होल की गहराई भी 5 इंच की आएगी। तो इस तरह से मैं सब तरफ निशान लगा दूँगी, और अगर आपको इस तरह से नहीं सिलना आता हो, तो आपके पास कोई भी पुरानी फ्रॉक हो तो उसको इस पर रख कर भी आप निशान लगा सकते हैं, और उसका नाप ले सकते हो किस तरह से जो बच्चों के सही से अच्छे से बैठ रही हो, वही उसी फ्रॉक का निशान लगाना है। और मैं गले का जो आगे वाला भाग होता है उसमें 3.5-3 इंच की गहराई लूँगी, और पीछे के भाग में 1.5 इंच की। तो इस तरह से सब तरफ निशान लगा कर कट कर देना है। और आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से बन जाती है फ्रॉक। तो ये मैं पीछे वाला का कट कर रही हूँ, पीछे वाले भाग का, और आगे का थोड़ा वो गहरा चाहिए तो उसको निकाल कर फिर आगे वाले का अलग से कर दूँगी। और आप चाहो तो इस पर विक्रम लगा कर और डिजाइनदार गला बना सकते हो, पर बच्चों के लिए वैसे ज़्यादा कुछ डिजाइन वाला अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से मैं सिंपल पाइपिंग लगा कर गला बनाऊंगी। तो जो मैंने 20 इंच का नीचे का भाग काटा था, तो उसमें सल लेने के लिए मैं सुई धागे की मदद से उसमें सल ले रही हूँ। बड़े बड़े सल नहीं लेंगे अपन, छोटे छोटे लेंगे, तो मैं सुई धागे की मदद से पहले सल ले लूँगी, तो बारीक सल आसानी से आ जाएगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा सिलाई के वक्त, सुई को ऊपर रखकर सिलाई करनी होती है। तो मैंने
नीचे की तरफ ये कमर वाले भाग में थोड़ा से फिसल ले रही हूँ, टक से लगा रही हूँ ताकि नीचे कमर में फिटिंग अच्छी दिखे। इस तरह से आगे पीछे दोनों तरफ के भाग में अपन को इस तरह के टक से लगा लेने हैं, जिस तरह से अपन ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरह से। और फिर इस कंधों को जोड़ देंगे। और इसके बाद में मैं पाइपिंग लगा दूंगी गले में। आप चाहो तो आस्तीन भी लगा सकते हो, मैं आस्तीन नहीं लगाऊंगी, मैं वहाँ पर भी पाइपिंग ही लगाऊंगी क्योंकि गर्मियों के लिए बना रहे हैं तो आस्तीन की ज़रूरत नहीं है, बच्चे गर्मी में पहनते हैं। तो इस तरह से मैं सब तरह पाइपिंग लगा दूंगी। पाइपिंग के लिए पट्टी उरे भी कट करनी है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो ये मेरी पाइपिंग लग गई है, इसको लेट कर वापस से लगा देंगे। ये मैंने दोनों कपड़े में एक 20 इंच का जो कपड़ा था गेयर और एक 8 इंच का, तो दोनों में मैंने सर ले लिया है। तो नीचे की तरफ अपन वो 8 इंच वाला कपड़ा रखेंगे और ऊपर की तरफ 20 इंच वाला, तो इसको सीधा करेंगे तो 8 इंच वाला ऊपर रह जाएगा और ये 20 इंच वाला कपड़ा नीचे की तरफ रह जाएगा। तो इस तरह से सर लेके पहले ही उसको सेट कर दिया था और इसको आसानी से ऊपर वाले हिस्से पर रख कर आसानी से इस पर सिलाई लग जाती है। तो इस तरह से दोनों कपड़ों को जोड़ देंगे, फिर साइडों में से सिलाई कर लेंगे। तो मैंने साइडों में से सिलाई कर ली है। तो देखिए मेरी गुड़िया ने फ्रॉक पहन ली है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरी गुड़िया को तो बहुत पसंद आई है, मुझे भी बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी लग रही है। सेम इसी डिजाइन की मैं बाज़ार में देख के आई थी, उसी हिसाब से मैंने ये फ्रॉक बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।